कौम आद जिनका कद 60 हाथ के बराबर होता, जो पहाड़ों को तराश कर बड़े बड़े महल बनाते, जिनकी ताकत के बारे में कहा जाता है कि पेड़ को जड़ समेत उखाड़ कर फेंक देते, जिनकी उम्र 1000 साल होती और जो उस दौर की सबसे ज्यादा ताकतवर सल्तनत थी। बस इसी बात से उनको खुद पर तकब्बुर यानी घमंड होने लगा और यह लोग जिना, बेहयाई, बुतपरस्ती और कत्लोगारत में हद से ज्यादा बढ़ गए। तो अल्लाह ने हुद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा, जिन्होंने 50 साल तक इनको अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन यह अपनी ताकत के नशे में इस कदर मदहोश थे कि कहने लगे कि हमसे ज्यादा ताकतवर कौन, अगर कोई है तो लाओ हमारे सामने। बस आ गया अल्लाह का अज़ाब। हुद अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों के साथ वहां से निकल गए और फिर अचानक एक तूफान शुरू हुआ जो इस कदर तेज तबाही वाला था कि इनके बड़े बड़े महल टूट कर गिरने लगे और यह ताकतवर लोग उस हवा के सामने टिक ना सके। यह तूफानी अज़ाब 7 दिनों और 8 रातों तक मुसलसल चलता रहा और यह पूरा इलाका तबाह व बर्बाद हो गया और जमीन के नीचे दब गया, जिसके सबूत आज भी दिखाई देते हैं।